अस्सलाम वालेकुम, मैं निगा शहजाद, आप देख रहे हैं मेरा चैनल रेमेडी विद निगत। उम्मीद करती हूँ अल्लाह पाक की रहमत से आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज जो मैं रेमेडी लाई हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त है। रेमेडी बताने से पहले आपसे गुजारिश है, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। जो मैं रेमेडी लाई हूँ वो पाँवों की जो हमारी एड़ियाँ फट जाती हैं उसमें बड़ी बड़ी दरारें टाइप सी बन जाती हैं और बहुत रूखी हो जाती हैं हमारी एड़ियाँ और किसी भी तरह से वो सही होने का नाम नहीं लेती। तो आज जो मैं रेमेडी लाई हूँ ये रेमेडी आप मुसलसल 5 दिन इस्तेमाल करें और फिर उसका रिज़ल्ट देखें कि कितनी ज़बरदस्त ये रेमेडी है। रेमेडी में जो हमें चीज़ें चाहिए वो हमें चाहिए वेसलीन, एलोवेरा जेल और लेमन, बस ये 3 चीज़ें हमें चाहिए और इन 3 चीज़ों की हम रेमेडी बनाएंगे और ये बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है। ये आपकी जो कोनियाँ भी बाद लोगों की ड्राई हो जाती हैं उसके लिए भी ये रेमेडी बहुत ज़बरदस्त है और पाँव की एड़ियाँ तो बिल्कुल ही सही हो जाएंगी। यहाँ मैं 1 टेबल स्पून भरकर ये वेसलीन का ले रही हूँ, ये देखें फुल भर के मैं ले रही हूँ वेसलीन का। ये आप अपने हाथों पे भी लगा सकते हैं जो रूखे हो जाते हैं और वो सही होने का नाम नहीं लेते, उसके ऊपर भी आप इसको अप्लाई कर। दूसरी चीज़ जो लूँगी वो मैं लूँगी एलोवेरा जेल का 1/2 टेबल स्पून, बस इतना। लास्ट में मैं डालूँगी इसमें लेमन जूस, इसके आप बीज हटा दीजिएगा और पूरा 1 लेमन डालूँगी मैं इसके अंदर, निचोड़ दूंगी अच्छी तरीके से दोनों जो हाफ ऑफ मैंने कट करे हुए। ये रेमेडी इतनी ज़बरदस्त है, जब आप ये रात को सोते टाइम पे अपने पाँवों पे लगाएंगे या आपकी जहाँ जिस जगह की भी बहुत रूखी सूखी और फटी हो रही है वो भी आपकी ये सही हो जाएगी। और बास लोगों के लिप्स बहुत फट रहे होते हैं किसी भी सूरत में सही नहीं होते, ये लिप्स पर भी लगा सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है बल्कि आपके लिप्स बिल्कुल नरम और मुलायम हो जाएंगे। तो वैसे ही हमारे पाँव भी नरम मुलायम हो जाएंगे। देखिए वेसलीन थोड़ा, ये बस इसको मिक्स करने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि वेसलीन थोड़ी जमी हुई टाइप की होती है, तो इसको हम जब लेमन में और एलोवेरा जेल में हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे तो 2 से 3 मिनट इसको अच्छी तरह लगेंगे मिक्स होने में। इसको अच्छी तरह से मिक्स करें इस तरह से, ये देखिए लेमन का जूस और एलोवेरा जेल ये सब एकदम एक जाने बन गए हैं। जब थोड़ा ये अपने जो मैंने मिक्स करी है ये जब थोड़ी नॉर्मल होगी तो वापसी जेली की शक्ल जो इसकी जो असल हालत है वेसलीन की वो बिल्कुल वैसे ही हो जाएगी। अब इसको आप किसी कंटेनर में रख लें और रोज़ाना डेली अपने हाथों पे पाँवों पे लगाएं, आपकी स्किन एकदम बेबी सॉफ्ट की तरह हो जाएगी, जैसे छोटे बच्चों की होती है जेल हाथों की पाँवों की, या आप अपने लिप्स पर भी लगा सकते हैं। ये मैं इसको एक कंटेनर में डाल लूँगी, इतनी ज़बरदस्त ये क्रीम बन गई है। वैसे भी ये जो वेसलीन होती है हमारे हाथ पाँव के लिए हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है, इसमें हमने लीमू और एलोवेरा जेल शामिल कर दिया है तो इसके फ़ायदे दुगने हो गए हैं। ये देखें एक अच्छी सी क्रीम तैयार हो गई है, इसको आप अपने पाँवों की जो एड़ियाँ फट गई हैं उस पर अगर अपने पाँवों पर आप इसको लगाएँ बिल्कुल अच्छी तरह से जब्स कर लें, उसको जब्स करके आप उसको ही सॉक्स वगैरह पहन लें, अगर सॉक्स नहीं भी पहनना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं, बिल्कुल ये देखें अच्छी तरह जब्स हो गई है, ये कोई ऑयली कोई इस तरह से नहीं कि आपके बेड या आपके बिस्तर ख़राब होंगे, बिल्कुल ये जब्स हो गई है हाथों में अच्छी तरह से। और खुशबू भी बहुत भीनी भीनी लेमन की और एलोवेरा जेल की आ रही है। इस तरह से आप 5 दिन लगाएँ, अपने हाथों पर लगाएँ, पाँवों पर लगाएँ, जो हमारे हाथों की हथेलियाँ रफ हो जाती हैं बहुत ज़्यादा उसके लिए भी बहुत अच्छी रेमेडी है ये मेरी, आप ये इस्तेमाल करें 5 दिन में रिजल्ट आप खुद। रेमेडी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं और सब लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।